तब तब आपका आशीर्वाद है। सब बंगाल का लेबर है यहाँ 10-12। आइए उतरिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए उतरिए। अभी हम आ चुके हैं रोसड़ा। यहाँ पे हम आए हैं निर्जेश जी के साथ। तो निर्जेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार भैया। तो क्या दिखा रहे हैं निर्जेश जी आप हमें? ये दिखा रहा हूँ, मेरा अपना है ये प्लॉट, छोटा सा 3 बीघा का एक है, जिसमें एक आप बगल में देखें ये पूरा प्लॉट। सुन रहे हैं, इन्होंने कहा इनका एक छोटा सा प्लॉट है 3 बीघे का, मतलब समझ रहे हैं ना। सब आशीर्वाद है आपका। और ये रुई प्लांट है यहाँ। अच्छा, तो अभी हम लोग रुई प्लांट में जा रहे हैं। जी, रुई प्लांट में जा रहे हैं। हमारे मेरे पापा हैं, उनके दोस्त का है ये। अच्छा। मेरे पापा के दोस्त का ये रुई प्लांट है। और ये सब हैं बंगाल से आके ये भैया लोग हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, और देखिए ये कहाँ कहाँ से आता है ये बताएंगे डिटेल से, कि कच्चा माल कहाँ से आता है और कैसे बनता है, क्या बनता है। ये जितना भी कच्चा माल देख रहे हैं, जिसको बोल सकते हैं आप रुई बनने के लिए रिसोर्सेस, ये कोलकाता से आता है बाय ट्रक। और इसको फिर यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में काटते हैं, कलर अलग अलग छांट छांट के लोग, काफ़ी सारी महिलाएं हैं। और ये लोग बंगाल से 5-7 आदमी 10 आदमी हैं यहाँ रोसड़ा में। तो इसको काट के फिर टुकड़ी टुकड़ी करते हैं, क्रश करके। और फिर देखिए जैसे रेड कलर टाइप का सब एक अलग हो गया, वाइट कलर टाइप का सब अलग हो गया। उसके बाद फिर यहाँ मशीन है, अभी मशीन संजोग से बंद है, नहीं तो ये भी दिखाता। 2 मशीन है, एक इधर भी एक उधर भी है। इसमें ये डालते हैं लगातार, जब तक इनका मोटिव क्लियर नहीं हो जाता, मतलब जैसा रुई चाहिए वैसा नहीं हो जाता, तब तक ये डालते रहते हैं बार बार। और यहाँ से इससे उठा उठा के डालना और इधर से निकालना, इधर से। अरे ये तो ठीक है, लेकिन ये हमको डुप्लीकेट रुई क्यों दिख रहा है? नहीं, रुई तो खेत में होता है ना। नहीं नहीं, हाँ ये डुप्लीकेट रुई कह सकते हैं। रुई अगर नेचुरल जो खेत में होता है उपजता वो नहीं है, ये रुई बनता है। जितना भी वेस्ट है कपड़े के, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें जो कपड़ा वेस्ट होते हैं, काट कुट के जो बचते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा, जो बेकार नहीं करके ये लोग ये रुई बनाने में यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के रुई, जैसे कपड़ा में व्हाइट कपड़ा, रेड कपड़ा, अलग अलग टाइप का कपड़ा, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पे रुई निकलते हैं। और उसको अलग अलग बंडल में पैक करके फिर ये लोग बिहार के कोने कोने में बेचते हैं बाय ट्रक। कोलकाता आता है तो कोलकाता ही वापस फिर रुई बना के भेजते हैं, इधर पटना भेजते हैं, इधर मधुबनी, सहरसा, सुपौल, बहुत दूर दूर तक यहाँ से जाता है। और इस रुई से है कि रोजगार भी मिला हुआ है। ये अभी आपने देखा, अभी निर्जेश जी बता रहे थे जिनके इस एम्पायर में अभी हम आए हुए हैं, काफ़ी बड़ा स्टेट है इनका। तो ये मेरे लिए भी नई जानकारी थी, मुझे पता नहीं था कि ये जो अक्सर हम देखते थे कि तोशक में, गिलाफ में और तकिया वगैरह में इस तरह का रुई यूज़ होता था बचपन में देखते थे, लेकिन आज पहली बार पता चला कि जो वेस्ट कपड़ा है उसका इस्तेमाल होता है इसमें। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी निर्जेश जी आपने। तो और क्या क्या है, क्या क्या आप दिखाना चाहेंगे हमें? बस यही बताना था कि रुई कैसे बनता है। आप ये आप देख रहे हैं पूरा फ्रेस रुई नहीं बना है अभी, इसमें है कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा दिख रहा है, तो इसको ये लोग बार बार डालते हैं जब तक ये पूरा कंप्लीट रुई ना बन जाए, कंप्लीट अच्छे से रुई तैयार ना हो जाए, जो नेचुरल रुई की तरफ एकदम दिखता है। और ये देखिए कलर का, मैं पहले ही बताया आपको कि अलग अलग कलर का अलग अलग रुई जो है यहाँ पे देखिए, अलग अलग ये लोग काट के फिर पैकिंग होता है। देखिए ये सब अभी कच्चा माल आया है वहाँ से, तो ये सब का कच्चा माल का ये सब है, ये सब इसको फिर ये टुकड़ा ये रुई बन जाएगा। आपको कहीं से लगता है ये रुई बन सकता है? पूरा ब्लैक कपड़ा है बन जाएगा, लेकिन बन जाएगा। ये रुई बन जाएगा, आपने देखा भी है। और ये लोग फिर ये बंडल में जितना भी इधर रुई बना के रखते हैं, इधर रुई बना के अंदर रखते हैं ये लोग, रुई बना के ये रुई तैयार करके पूरा है। और ये एक बड़ा गोदाम रोसड़ा मार्केट में है, पांचूपुर में, जो हमारे पापा के दोस्त है मेरे, उनका जहाँ घर है वहाँ पे बहुत बड़ा गोदाम है, जितना कैंपस देख रहे हैं इससे दूर ना बड़ा, तो वहाँ रुई यहाँ से रखते हैं लोग जाके। देखिए यहाँ रुई, इसलिए आप देख सकते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये रुई ओरिजिनल नहीं है, कहीं से आपको पता नहीं चलेगा, ये पूरा एकदम वो कर दिया गया है बुरादा टाइप, पूरा देख लीजिए, इसमें कहीं से आपको नहीं पता चलेगा कि ये रुई ओरिजिनल नहीं है। और हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बार चल सके अगर तो चलवा के भी दिखाएं कि कैसे रुई बनता है, 1 मिनट के लिए। हम लोग
लोग जानते थे कि कॉटन मतलब जो खेत में उगता है, तो यहाँ पे अभी आए हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पुराने पुराने कपड़े का इस्तेमाल हो रहा है रुई बनाने में। न्यू कतरन का यूज़। अच्छा नया कतरन। अच्छा तो ये ध्यान रखिएगा, पुराना कतरन नहीं है, नया कतरन है, नए कपड़े से जो कतरन, हाँ उसका इस्तेमाल होके रुई बनता है। स्कॉटलैंड से आता है। तो इसका इस्तेमाल किस किस चीज़ में होता है? इस चीज़ का रुई गद्दा वगैरह बनता है। अच्छा गद्दा बनता है और तकिया वगैरह बनता है। और किस तो मतलब हम लोग जो समझते थे जो कपड़ा सिलवाते हैं दर्जी के यहाँ बर्बाद हो जाता है, तो आप लोग उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। हाँ वही वही न्यू लेकिन होना चाहिए। तो दिन के दिन भर में कितना बना लेते हैं? लाइन के ऊपर डिपेंड करता, कोई जरूरी नहीं है कितना घंटा है, उसको गारंटी नहीं। कितना 20-25 8 टन 9 टन। तो ये कह रहे हैं कि लाइट पे डिपेंड करता है, मतलब जितनी देर लाइट रहती है उतने देर ये लोग काम करते हैं बिजली। तो ये मतलब आप लोगों का ऐसे काम करने का समय क्या है, कितने देर मेहनत करते हैं दिन भर में? 12-13 घंटा ये लोग मेहनत करते हैं। तो देख रहे हैं फिलहाल ये शूट करने में इतनी देर में हमारा पसीना छूट गया है, तो ये लोग 12-14 घंटा इस चीज़ पर मेहनत करते हैं। और ये सारे लोग बंगाल के आसपास से आए हैं और यहाँ पे जो समस्तीपुर ज़िले में जो रोसड़ा एक जगह है वहाँ पर ये है। तो हम आए थे, हमारे एक दोस्त हैं निर्जेश जी, उन्हीं के साथ। ये उन्हीं का फार्म हाउस है, आगे खेत है और पीछे में ये फैक्ट्री है। तो अब हम लोग चलते हैं। तो और क्या क्या दिखाना है निर्जेश जी, बताइए ज़रा। बस आपको खेत घुमाने लाए थे और ये खेती का है, ये देख रहे हैं पूरा पेड़ जो आप लगा देख रहे हैं वो ये महोगनी का है, जो सागवान महोगनी होता है उसका। इसमें 500 पेड़ लगा हुआ है पूरे हमारे खेत के चारों मेट पे, चारों बाउंड्री पे पूरा 500 पेड़ लगा हुआ है। और इसको अभी 2000 पेड़ लगाने का ये है प्लान है कि आगे इस पेड़ से एक पेड़ 10 साल बाद कम से कम 20,000-25,000 रुपया देगी एक पेड़। और ये देख रहे हैं ना कि कुल मिला के ये इनका बिजनेस स्टार्टअप है और ये पर्यावरण के नाम पे ये बिजनेस कर रहे हैं। और ये बार बार लोगों को यही ताकीद करते हैं कि कब कोई मौका आएगा, तो ये बोलते हैं कि पेड़ वृक्षारोपण करवाते हैं। तो आप समझ में आ रहा है कि उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ तो उसमें पैसे की बात तो है ही, वो लॉन्ग टाइम का है कि पैसे है ही इसमें। और पर्यावरण को जितना हम पेड़ जैसे काटते हैं, खेती जितना हमें करते हैं उतना पेड़ लगाए हैं हम। एक ये अच्छी बात बताना चाह रहे हैं अपने तरफ से कि ये पेड़ लगाए हुए हैं और पूरी तरह देखिए यहाँ वातावरण कूल है, इतनी गर्मी है फिर भी अगर पेड़ के पास जाएंगे तो एकदम अच्छा फील होगा। तो ये बताइएगा कि आपने तो यहाँ पे मुर्गा पालने का भी इंतजाम कर रखा है। ये यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है, ये 12 कट्ठे में बना हुआ है पूरा कैंपस। तो इसमें पहले अंडा बन मतलब अंडा ये प्रोड्यूस होता था, मुर्गी है उसको पाल के बड़ा किए और उससे अंडा निकाले। हाँ यहाँ पे 2,000-2,000 मुर्गियाँ रहती थी दोनों साइड, 1,000 करके। और ये सहरसा, सुपौल, मधुबनी, हाजीपुर, इधर पटना पूरा अंडा सप्लाई होता था। तो हो सकता है कि इनके यहाँ का जो बनाया हुआ अंडा है वो हम लोगों ने भी खाया हो, क्यों? शायद हो सकता है कि आप खाए हों। हमारे ये नए दोस्त हैं उमर भैया, तो अभी हम लोग 5-6 महीने से संपर्क में, तो हो सकता है, क्या पता मेरा अंडा इन्हें मिला हो पहले कभी। लेकिन तो अभी फिर से चल रहा है क्या ये? अभी अभी कोरोना के वजह से ये जब से वेव शुरू हुआ फर्स्ट वेव, तब से ये थोड़ा सा बिजनेस नीचे की तरफ हो गया, लेकिन फिर से इसको यूटिलाइज किया जाएगा। अभी सोच रहे हैं तब तक चिकन खाने वाला मुर्गा जो है उसको लगा के स्टार्ट किया जाए। तो मतलब होली का इंतजाम हो रहा है। तो कुल मिला के एक चीज़ ये कह सकते हैं, कोरोना में ये अफवाह उड़ा दिया गया था कि चिकन वगैरह से कोरोना बढ़ता है। हाँ इसी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ आप लोगों, काफ़ी नुकसान हुआ। जेसीबी से बहुत मुर्गा गाड़ना पड़ा गड्ढा खोद के, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे 1,00,000-2,00,000 नुकसान हुआ केवल मुर्गा से मुझे। तो ये बहुत तो ये देखिए ये लॉस है। अब सरकार को इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये चारों तरफ देख सकते हैं आप कि पेड़ लगा हुआ एकदम सीधी लाइन से चारों मेट पे, जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है जहाँ जैसे जैसे पेड़ लगा हुआ है ये अपना ही। मतलब ये कुल मिला के बताना चाह रहे हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी उनकी है, है ना? नहीं प्रॉपर्टी आपकी भी है दोस्त हैं हमारे, आपकी भी, आप भी यहाँ रह सकते हैं, आपका स्वागत है भैया। आप पटना शहर में रहने वाले कहाँ, आप यहाँ गांव में पधारिएगा। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा निर्जेश जी। इस जगह को क्या कहते हैं? मिर्ज़ापुर। इस जगह को कहते हैं मिर्ज़ापुर भटोतर के पोखर के। मिर्ज़ा गालिब का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, उन्हीं के नाम का मिर्ज़ा है। पुर तो हमारे मोहल्ले का नाम है, बाजिदपुर उसका पुर है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग, फिर मुलाकात होगी फिर किसी सफर में आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।